हेलो यूट्यूबर्स, स्टडी टास्क में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपके पास ए इनवर्स इक्वल है 1/ डिटरमिनेंट ए और उसकी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए के साथ। ये करने के लिए आपको पहले ये निकालना आना चाहिए। इसको निकाल लेंगे कैसे, जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसको लिख लेंगे और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 7 से करेंगे 21, बीच में ऑलवेज साइन आएगा माइनस का। 5 को 2 से करेंगे 10, तो आपके पास आ गया 1, 1। तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आई है। आपको अब निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, जो कि होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। ये निकालते कैसे, आप देख लीजिए, इसमें 3 के सामने वाली जो भी एलिमेंट है उसको सामने वाले की पोजीशन देख लेनी है, जो कि है 7। तो यहाँ पे लिख देना है 7। फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसके सामने वाला देख लेना एलिमेंट, वो है 2। यहाँ पे लिख देंगे 2। लेकिन ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट में, मतलब सेकंड एलिमेंट है, तो ये हमारे पास बना और यहाँ पे लिख देंगे माइनस। ऐसे ही सेम इसके सामने वाला 5 माइनस में जाएगा ये भी, और इसके सामने वाला 3, इसका ट्रांसपोज। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। ट्रांसपोज निकाल देंगे, रोज चेंज इनटू कॉलम, माइनस का 2, माइनस 5 और 3। तो ये एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब बस फॉर्मूले में डालना है, करना कुछ नहीं। फॉर्मूला एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। 1/ एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है 1, 1 मल्टीप्लाई, जो आपके पास ये आया है एडजॉइंट है निकल के 7, माइनस 2, माइनस 5 और 3। तो आपके पास इनवर्स ऐसे निकल आएगा किसी भी मैट्रिक्स का।